हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ऑटोकैड 3D मॉडलिंग के अंदर बेसिकली तीन कमांड के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड सबसे पहला आता है हमारा यूनियन कमांड। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ सीखेंगे सबट्रैक्ट कमांड के बारे में, और तीसरा फ्रेंड यहाँ पे आता है इंटरसेक्ट कमांड। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑटोकैड के अंदर हमको किस तरीके से बेसिकली यूनियन सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट कमांड को बेसिकली यूज करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले मैं अपने ऑटोकैड के व्यू को साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर फ्रेंड मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब फ्रेंड मैं इस सिलेंडर को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस सिलेंडर को फ्रेंड इस बॉक्स के सेंटर में मैं ले जाता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पर मैं इस सिलेंडर को रख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो सिलेंडर और बॉक्स है वो इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। ओके, अब फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो बॉक्स और ये सिलेंडर है वो एक्चुअल में एक सिंगल है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड अगर आप सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर फ्रेंड हमारा जो सिलेंडर है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम यूज करेंगे यूनियन कमांड। तो यूनियन कमांड को फ्रेंड यूज करने के लिए आपको उन सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करना होगा जिन ऑब्जेक्ट को आपको बेसिकली ज्वाइंट करना है या यूनियन करना है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। तो देखें फ्रेंड, हमारा ये जो दो अलग ऑब्जेक्ट थे वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ बॉक्स और सिलेंडर एक सिंगल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप बेसिकली यूनियन कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यूनियन कमांड को यूज करने के लिए फ्रेंड आपको उन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसे आपको बेसिकली यूनियन करना है। अब फ्रेंड हम यहाँ देख लेते हैं कि सबट्रैक्ट कमांड को हमें कैसे यूज करना है। ओके, तो अब फ्रेंड यहाँ हम यूज कर लेते हैं सबट्रैक्ट कमांड। तो सबट्रैक्ट कमांड को फ्रेंड यूज करने के लिए यहाँ से हम सबट्रैक्ट कमांड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है उसको फ्रेंड यहाँ पर आपको बाद में सेलेक्ट करना है, लेकिन फ्रेंड उससे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करना है जिसे आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से सबट्रैक्ट करना है। तो मुझे सपोज फ्रेंड यहाँ पर इस सिलेंडर को यहाँ इस बॉक्स से सबट्रैक्ट करना है, तो इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन राइट क्लिक, और उसके बाद फ्रेंड मैं इस सिलेंडर को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, देन एंटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो यहाँ पर सिलेंडर था वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, और इस बॉक्स पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर शेप आपको यहाँ शो होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड आप सब्ट्रैक्ट कमांड जो है वो काफी इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं लास्ट वन, जो कि फ्रेंड हमारा है बेसिकली इंटरसेक्ट कमांड। तो उसके लिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर 2D वायर फ्रेम में ले चलता हूँ। अब फ्रेंड हमको यहाँ पर इस बॉक्स और सिलेंडर जहाँ पर ये दोनों टच कर रहे हैं केवल उसी शेप को हमें बेसिकली यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड हम यहाँ यूज कर लेते हैं इंटरसेक्ट कमांड। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड कैसे हमको इसे यूज करना है। इसके लिए फ्रेंड मैं इसको वापस 3D व्यू के अंदर चेंज कर देता हूँ। अब फ्रेंड हम यहाँ यूज कर लेते हैं इंटरसेक्ट कमांड। तो यहाँ पर फ्रेंड इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन इस सिलेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और एंटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो सिलेंडर था और हमारा जो बॉक्स था उनका इंटरसेक्ट भाग यानी कि दोनों का टचिंग जो भाग था वो हमको बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है। इंटरसेक्ट कमांड को यूज करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको इंटरसेक्ट कमांड को क्लिक करना होगा, देन उस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है जो बेसिकली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं इस सिलेंडर को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा ये बॉक्स और ये सिलेंडर जो कि कुछ इस शेप में हमारे को दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो बेसिकली इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं वापस से 3D रियलिस्टिक व्यू में जाता हूँ और यहाँ यूज कर लेता हूँ इंटरसेक्ट कमांड को। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और इस सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा बॉक्स का और सिलेंडर का
दोनों का जो इंटरसेक्ट पोर्शन था वो हमको बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यूनियन, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट कमांड का फ्रेंड बेसिकली ये गोल्डन रूल है। यूनियन कमांड के अंदर जिन भी आप ऑब्जेक्ट्स को आपको बेसिकली यूनियन करना है या ज्वाइंट करना है, उन सभी ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है। अगर फ्रेंड आप यूज करते हैं सबट्रैक्ट कमांड, तो सबट्रैक्ट कमांड के अंदर फ्रेंड जिस ऑब्जेक्ट को आपको दूसरे ऑब्जेक्ट से सबट्रैक्ट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपको उस ऑब्जेक्ट से सबट्रैक्ट करना है, उसको आपको उसके बाद में सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सबट्रैक्ट कमांड। और इंटरसेक्ट कमांड के लिए फ्रेंड आपको दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है और एंटर दबाना है। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो इंटरसेक्ट भाग होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप यूनियन, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और आपके जो कमेंट्स हो, आपके जो विचार हो कि हम और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं इन वीडियोस को, तो आप हमें अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर कुछ जान पाएं और सीख पाएं। तो फ्रेंड मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।